नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउंड वेव के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। दोस्तों यह फिजिक्स का 14 पार्ट होने वाला है, अर्थात इससे पहले हम 13 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो ये साउंड है, साउंड का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले साउंड के ही दो पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें 20-20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, और आज भी साउंड का ये तीसरा पार्ट है। जैसे कि दोस्तों वीडियो के लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 180, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था और कुछ लोगों ने गलत भी दिया था। तो भाई इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। स्टेथोस्कोप क्या होता है दोस्तों, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं जैसे हमारे हार्ट बीट को चेक करने के लिए, जो कान में लगाया रहता है उन्होंने, तो उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं और ये परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो आप शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 181 है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, अर्थात चंद्रमा पर क्या है, आप अगर आवाज़ करें तो आपका दोस्त नहीं सुन सकता, इसका कारण क्या है। अब देखिए जो साउंड वेव होता है उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और चंद्रमा पर मीडियम नहीं, वहाँ पर कोई भी एयर नहीं है, क्योंकि वाई के थ्रू ही क्या है, आवाज़ क्या है, दूसरा व्यक्ति सुनेगा, तो इसका मतलब ध्वनि प्रचारित करने के लिए माध्यम नहीं होता है, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है। रही बात ऑप्शन ए क्या बोलता है, उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। रात्रि में तापमान बहुत कम तो टेम्परेचर का यहां पर ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले मीडियम है। रही बात साउंड में टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड वेव की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं, क्रेटर का मतलब क्या होता है, जो दूसरे जो बाहर से क्या आते हैं, जो आपके पास एस्ट्रॉयड या क्या होता है, जो एस्ट्रॉयड आते हैं वो आपके क्रेटर कहलाते हैं। अब क्योंकि यहां पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, एटमोस्फियर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर एटमोस्फियर है, तो जो एस्ट्रॉयड या कॉमेट्स आते हैं वो जल जाते हैं बीच रास्ते में, लेकिन चंद्रमा पर वो डायरेक्ट आ जाते हैं क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसमें देखिए दोस्तों हम सभी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिससे सभी ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाए, और आप साथ साथ में ये भी चेक करते रहें कि आपको ऑलरेडी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और लास्ट वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। क्वेश्चन नंबर 182 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो किस किस बातों पर निर्भर करती है, सबसे पहले वो भी प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टी के रूप में, ठीक है। दूसरा क्या है, जो आपके पास वी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी, अर्थात जो डेंसिटी होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। और तीसरा ह्यूमिडिटी के भी प्रोपोर्शनली होता है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो इन तीन चीज़ों पर जो ध्वनि का वेग होता है वो निर्भर करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो बिल्कुल गलत है। गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठोसों में अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है, ठीक है। क्योंकि जो साउंड वेव होती है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से सॉलिड में चलती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और यही अंतर होता है साउंड वेव और जो लाइट वेव होता है। लाइट वेव में क्या होता है, लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में चलती है, अर्थात निर्वात में जहाँ कोई भी हवा नहीं, फिर वो गैसेज में चलेगी, फिर वो लिक्विड में, और सबसे कम वो सॉलिड में चलती है। लेकिन जो साउंड वेव होता है उसके ठीक अपोजिट दोनों का क्रम है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 है कि सितार तथा वीणा द्वारा बजाए गए समान स्वर, अर्थात जो आपके पास ट्यून्स है वो बिल्कुल सेम है, नोट्स सेम है, तो किस गुण से भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात हम पहचानेंगे कैसे उसको कि अलग अलग है, समान स्वर हो चाहे भले भी। तो पिच से नहीं पहचान सकते, ये पहचान जाती है क्वालिटी से, क्वालिटी ही प्रॉपर्टी, जो साउंड की प्रॉपर्टी तीन होती है, पिच होती है, दूसरी आपके पास एक क्वालिटी होगी, और तीसरी होती है लाउडनेस, ठीक है। तो जो गुणता है, क्वालिटी है, इससे हम क्या है, दो ध्वनि को अलग अलग पहचान सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है कि स्त्रियों तथा बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है देखिए, स्त्री और जो बच्चे होते हैं उनका तारुत्व जो पिच होती है वो हाई होती है, अर्थात उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, तो 185 की तरफ बढ़ते हैं, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, देखिए गैस में जो ध्वनि तरंग है तो गैस में क्या होती है, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती है, अनुदैर्ध्य होती है। रही बात जो अनुदैर्ध्य, हाँ, तो ए ऑप्शन इसका, ट्रांसवर्स वेव कौन से होती है, जो लाइट वेव ट्रांसवर्स होती है। स्टेनरी वेव क्या होती है, यहाँ पर बात हुई थी कि एक ध्वनि तरंग अगर इधर से जा रही है और उधर से टकरा के जब वो वापस आती है तो कुछ इस फॉर्म में होती है। अब पता नहीं चलेगा आपको कि भाई कौन सी तरंग इधर गई थी, कौन सी तरंग इधर गई थी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल क्या है, स्थिर है तरंग, तो इसको स्टेनरी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, लाइट वेव अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो 186, मानव कान
ध्वनि कितने डेसिबल को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है? तो दोस्तों ये सहन कर सकता है 120, 120 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि क्या है उसको सहन नहीं होती, बहुत ही इरिटेट हो जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में जो घंटे का बटन है उसको भी जरूर दबाइएगा, और साथ में जो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे आपके पास हर वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि कई लोगों को वीडियो नहीं मिलती है शायद। क्वेश्चन नंबर 187 है कि प्रासरव्य ध्वनि जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है सुनी जा सकती है, किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो भाई इसमें किसके द्वारा सुनी जा सकती है, इसके यहाँ पर ऑप्शन है ए, कुत्तों द्वारा सुनी जाती है, कुत्ते हो गए, चमगादड़ हो गए, कुछ जानवर ऐसे हैं जो प्रासरव्य ध्वनि को सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, तरंग में किसका स्थानांतरण होता है, किसका ट्रांसमिशन होता है वेव के फॉर्म में? तो एनर्जी मोमेंटम दोनों का होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम अर्थात इन्फॉर्मेशन, एनर्जी और मोमेंटम दोनों का होता है, जिसमें इसमें क्या नहीं होता है, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, वो ट्रांसफर नहीं होते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन जो एनर्जी और मोमेंटम होते हैं वो ट्रांसफर हो, दोनों के दोनों ट्रांसफर होते हैं। तो 189 की तरफ बढ़ते हैं, तो 189 में क्या बोलता है कि वायु में ध्वनि का वेग वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे बदलते रहता है, वायु में जो ध्वनि का वेग कैसे बदलता है, तापमान के बढ़ने से बदलता है। अब देखिए वायु में जो ध्वनि का वेग था, अब ध्वनि के वेग के लिए बताया था कि किस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी पे वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर पे वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। अब टेम्परेचर पे क्या है कि जो टेम्परेचर पे है वो उसके प्रोपोर्शनली है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, बढ़ने से घटता है तो ये नहीं होगा, तापमान के घटने से बढ़ता है तो ये भी नहीं होगा, तापमान पर आश्रित नहीं तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तापमान के घटने से घटता है तो बिल्कुल यही हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर घटेगा तो वेलोसिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। 190, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो ये क्या करते हैं, किस परिघटना का जो रिफ्लेक्शन होता है अर्थात इको होता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कि वो अपने मुंह से क्या है एक तरंग भेजता है और वहाँ से टकरा के एक तरंग जो वेव है वापस आती है, इको होता है वहाँ पर, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो वह ऐसा किस घटना के कारण होता है, ये होता है आपका डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट ने क्या बताया कि अगर आपके पास जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है अर्थात जो श्रोता है और एक श्रोता है सुनने वाला, एक स्रोत है जिससे आवाज़ निकल रही है, अगर उन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो जो आवाज़ सुनाई देती है वो कम ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कभी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगती है हमें, एक्चुअली चेंज नहीं होती है, ऐसा सुनाई देता है कि कभी जोर से सुनाई दे रही कभी धीरे धीरे सुनाई देती है, तो ये किसके कारण है, डॉपलर ने इसके बारे में डिटेल बताया था, तो डॉपलर इफेक्ट ही इसको कहा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 192 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, रात को देखने के लिए किस प्रकार के तरंग का प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म या अवरक्त या उनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों यहाँ पर है अवरक्त, इन्फ्रारेड वेव या इसको जो इन्फ्रारेड, देखो कैमरे दो प्रकार के, देखिए विजिबल कैमरा जो जनरली हमारा मोबाइल होता है, सामान्य कैमरा जो विजिबल कैमरा होता है इसमें क्या होती है कि उजाले में आप किसी की भी इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा कैमरा होता है इन्फ्रारेड कैमरा या इसको आप थर्मोग्राफिक कैमरा भी बोल सकते हैं, ये क्या करता है हीट को देख के इमेज को कैप्चर करता है, इमेज बनाता है। माना कोई आदमी है तो आदमी, क्योंकि आदमी की जो बॉडी है जो भी जिंदी जिंदा लाश है उसमें क्या होती है ऊर्जा होती है, ऊर्जा बोलते उसका शरीर क्या होता है उसमें हीट होती है, गर्मी होती है, एक अग्नि होती है, तो जो हीट होती है हीट क्या करेगा, माने जिस प्रकार आदमी का आकार है तो उस प्रकार क्या होगा उसके शरीर से क्या होगी उसके परपेंडिकुलर हीट निकल रही होगी, माना कोई आदमी कुछ इस तरह से है तो भाई यहाँ इसके थ्रू क्या है हीट निकल रही होगी, तो यहाँ से हीट निकल रही होगी तो उसी प्रकार वो क्या है जो कैमरा है वैसे कैप्चर करेगा, किसी भी जानवर को उसका उसी के शेप में क्या कर देगा कैमरा, उसका जो कैमरा है वो क्या है उसकी इमेज को कैप्चर करेगा, अर्थात इसमें क्या है इन्फ्रारेड रेज यूज होती है और जो सामान्य कैमरा होता है उसमें विजिबल रेज यूज होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 193 है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, मतलब कोई भी बर्तन अगर आप रखते हैं आप क्या है जो नल के नीचे आप कोई भी बर्तन रखें तो जब भी आप बर्तन क्या है धीरे धीरे भर रहा होता तो अलग अलग आवाज़ सुनाई देती है, अलग अलग आवाज़ सुनाई देने के कारण क्या है दोस्तों वो है रेजोनेंस, वहाँ पर रेजोनेंस उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या होता है
अलग अलग ध्वनि सुनाई देती, क्योंकि अलग अलग जितना जिस जिस लेवल तक पानी आएगा, तो माना हमने बोले कि जब जब सबसे नीचे पानी है तो अधिकतर क्या है, जो बर्तन भरा है या सुराही भरी है वो अधिकतर उसमें हवा भरी है। जैसे अगर आधा बर्तन भर गया तो आधा उसमें हवा भरी हुई है, आधा क्या है उसमें पानी भरा हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है, क्योंकि जो खाली जगह है उसके कारण वहाँ पर रेजोनेंस उत्पन्न होता है। रेजोनेंस के बारे में इस पहले की वीडियो में काफ़ी डिटेल बताया गया है। 194 है कि मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे क्या होता है, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु दाब को बराबर करने के लिए, इसलिए वो क्या है अपने मुंह को खोलता है, जिससे उसे कान में क्या है जो एयर का प्रेशर होगा वो सेम रहेगा। 195 इको साउंडिंग प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए। इको साउंड वहाँ पर क्या करते हैं, आप सोनार या रडार से क्या करेंगे, एक रेस भेजेंगे, कोई भी जैसे अगर सोनार की बात करें तो एक क्या है ध्वनि तरंग भेजते हैं और वहाँ से टकरा के वापस आती है। क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ बढ़ते हैं कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो किसके थ्रू मापी जाती है दोस्तों, वो है डेसिबल। डेसिबल से माप, जो MHO मो होता है इसे क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मापते हैं। जो हेनरी होता है इसमें इंडक्शन को मेजर किया जाता है, जूल आपको एनर्जी और वर्क को मेजर करता है, और डेसिबल जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है या लाउडनेस को मेजर करता है, इसी के पदों में मेजर किया जाता है ये। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण क्या है, तो भाई इसका कारण है यहाँ पर इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। अब देखिए दोस्तों, व्यतिकरण लाइट में भी होता है और साउंड में होता है, दोनों में होता है। लाइट में क्या होता है कि जब वहाँ पर इंटरफेरेंस की कंडीशन में क्या होता है, कहीं पर लाइट बिल्कुल ब्राइट स्पॉट बनता है और कहीं पर बिल्कुल डार्क स्पॉट बनता है, जब दो लाइटें आपस में मिलती हैं। और साउंड में भी यही होता है, साउंड में क्या होता है कहीं पर या तो बहुत ज़ोर से सुनाई देगा या बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। रही बात परावर्तन टकराना है, रिफ्रैक्शन आप क्या है, रिफ्रैक्शन में आपका क्या है, जो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है, और रेजोनेंस के बारे में तो हम काफ़ी डिटेल बता चुके हैं। 198 का है कि जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं, तो देखते नहीं हैं परंतु उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। मतलब अगर आप एक कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में दूसरे व्यक्ति बैठे हैं, आप उनको नहीं देख सकते हैं लेकिन आपकी आवाज़ वो पूरी पूरी सुनते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या होती है, ध्वनि मुड़ जाती है, इस दरवाजे से आसानी से मुड़ जा रही है और दूसरे को सुनाई देती है। 199 की तरफ बढ़ते हैं कि पराध्वनिक विमान नामक प्रघाती किस तरंग को निकालते हैं, तो ये पराशर अल्ट्रासोनिक वेव को वो क्या है रिलीज कर रहे होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका है। 199, 120 का है दोस्तों, एक जैव पद्धति जिसके पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो भाई किसके थ्रू उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है इसमें क्या है सोनोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होती है, जो बॉडी के अंदर जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं बिल्कुल सेम वही है, और यहाँ पर आपका सोनोग्राफी में क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि को यूज़ किया जाता है, मतलब अल्ट्रासाउंड का ही एक पार्ट है। रही बात ECG EEG के बारे में, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आपका ECG है, और इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट हार्ट में क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है उसको स्कैन करने के लिए, स्कैन तो हम क्या बोलेंगे उसको, और EEG है, EEG आपका क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन सेफेलोग्राफी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रेन को यूज़ किया जाता है, मतलब ब्रेन को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है। और रही बात एक्सरेज, तो आपको पता ही है 200 है, 202 अर्थात 201 क्वेश्चन है, ये मिस्टेकली लिख दिया, इसका जवाब वो कमेंट बॉक्स में दोनों है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है दोस्तों, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुलेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो इसका जो भी सही जवाब है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के नोट्स है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इस वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। रही बात आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लास्ट में लिंक आपको वहां पर दिए गए हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो आपको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।